ऑनलाइन धर्मांतरण के मुख्य आरोपी खान शहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो को अब सड़क मार्ग से गाजियाबाद नहीं लाया जा रहा। खबर मिली कि उसको अब फ्लाइट के जरिए मुंबई से दिल्ली लाया जाएगा। ये फ्लाइट मंगलवार सुबह 10 बजे से पहले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उतरेगी। इसके बाद सड़क मार्ग से बद्दो को गाजियाबाद लाया जाएगा, जहां पर उसे विभिन्न सुरक्षा और जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने ठाणे कोर्ट में बद्दो को सड़क मार्ग से लेकर जाने की बात कही थी और गाजियाबाद पुलिस ने 3 दिन लगने बताए थे, जिसके बाद ठाणे कोर्ट ने 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दी थी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने फ्लाइट से बद्दो को लाने का फैसला किया। सूत्रों ने बताया कि ये फ्लाइट सोमवार शाम 4:30 बजे मुंबई से उड़नी थी, लेकिन वहां आए तूफान की वजह से सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई। ऐसे में मंगलवार तड़के ही बद्दो को दूसरी फ्लाइट से लेकर जाया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस ने रविवार शाम ठाणे में समुद्र किनारे लाज से बद्दो को गिरफ्तार किया था। वह ऑनलाइन गेम जिताने की आड़ में लड़कों को कुरान पढ़वाता था। बद्दो अपना असली नाम छिपाकर शाहबाज खान नाम से लाज में छिपा हुआ था। ठाणे पुलिस ने बद्दो को मोबाइल सिम उपलब्ध कराने वाले दोस्त तौफिक और आर्यन खान को भी हिरासत में लिया है। इसके बाद उसे ठाणे में ही पूछताछ चल रही है। बद्दो अलीबाग के जिस लॉज में ठहरा था, वहां वो 10 जून की रात करीब 8 बजे पहुंचा। CCTV में उसके साथ एक युवक और युवती दिखाई दिए। ये युवक बद्दो का भाई बताया गया है, जबकि युवती लॉज कर्मचारी थी। रिसेप्शन पर एंट्री रजिस्टर में बद्दो ने अपना नाम खान शहनवाज की जगह शहबाज खान लिखवाया। एड्रेस उसने मुमरा की जगह दिल्ली लिखा। मोबाइल नंबर भी गलत लिखवाया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।